और हिट एंड रन कानून को लेकर देश भर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और वाहन चालकों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी है। सभी ड्राइवर केंद्र सरकार के खिलाफ में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी रोडवेज बस चालकों ने चक्का जाम कर दिया। सभी चालकों ने बस संचालन करने से इनकार कर दिया, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। किसी भी राज्य की रोडवेज बस नहीं आ रही है। वहीं ट्रक चालकों ने राजधानी देहरादून में चक्का जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक के बाद सभी चालक ट्रांसपोर्ट नगर धरने पर बैठ गए हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है, कानून तो ठीक बना, लेकिन हिट एंड रन केस में जो इन्होंने प्रावधान रखा है कि 10 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा, ये गलत है। क्योंकि हम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हैं, गरीब होते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कोई कार वाला आके ठोक देता है तो पब्लिक हमें मारती है कि तूने मारा। स्कूटी मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूँ, 40 के स्पीड से जा रहा हूँ, गली से निकला, दौड़ आगे आ गया तो मैं उसको उठाऊंगा तो उससे पहले पब्लिक मुझे मार देगी। ये अमित शाह जी को सोचना चाहिए। आपने तो पास करा कानून, ठीक है, हिट एंड रन का कानून अच्छा है, लेकिन ये जो प्रावधान रखा है 10 लाख रुपया जुर्माना, अगर 10 लाख मेरे पास होंगे तो मैं कोई धंधा करूंगा कि ठेला चलाऊंगा।